अभी हमारा सफर शुरू हो गया बंगाराम आइलैंड की तरफ। बंगाराम आइलैंड पहुंचने के लिए 1 घंटा लगेगा जो अभी मिला था। ये मैं इधर तो आ तो गया लेकिन हवा से टूटी न उड़ जाए इतना मैं ख्याल रख रहा हूँ, इसलिए तो ये देखिए अभी ये जो है मैं दिखाई दिया आपको। अभी मैं कैसे जा रही है हमारी, आपका नाम क्या है? अटक कोया सर ने इधर बहुत है नीचे गया। देखिए ये जो है ये भगटी आइलैंड, देखिए कितना खूबसूरत है। ये भी है स्पेशल मैं बनाने वाला हूँ। अभी जो हम लोग आए अगट्टी एयरपोर्ट से अगट्टी जेट्टी तक, वो तो स्पेशल है वीडियो क्योंकि उसमें ग्रीन टनल दिखाए, निसर्ग का खूबसूरती मैंने दिखाया। अभी ये जो है स्पेशल होगा लेकिन मुझे बीच बीच में रुकना पड़ेगा क्योंकि ये देखिए अभी तो आइलैंड दिखाई दे रहा है, थोड़ा देर के बाद समुंदर में जाएंगे और जैसे वो नज़दीक आने लगेगा बंगाराम आइलैंड, ये देखिए समुंदर के पानी के कितने डिफरेंट आकार दिखाई दे रहे हैं। मयूर पंख का रंग दिखाई दे रहा है ना, ये देखिए ये पत्थर जो जहाँ रहते हैं ना वो तो थोड़ा सा ऐसा डार्क मयूर पंख दिखाई दे, काला थोड़ा सा ऐसे दिखाई देता है। ये देखिए चारों तरफ कुछ भी नहीं, एक यहाँ पे आइलैंड है ये दिखाई दे आपको। ये देख के आपका दिल खुश हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ये आप कमेंट्स भेजिए कैसे लगा। भगवान परशुराम जी के जो भक्त हैं उनको तो इतना आनंद हो जाएगा। भगवान परशुराम जी के भक्त को ये भगवान परशुराम जी ने निर्माण किया हुआ महेंद्र पर्वत का ऊपरी वाला हिस्सा है जहाँ पर आज लोग रह रहे। पूरा का पूरा महेंद्र पर्वत पानी में डूब नहीं गया, कुछ 32 हिस्से पानी के ऊपर रह गए, उनमें से 10 आइलैंड पे जो आइलैंड बन गए उनमें मनुष्य बस्ती है, मनुष्य रहते। जरूर आइए, भगवान परशुराम का स्मरण कीजिए। जय परशुराम। आज से मैं मेरा देखिए अभी आज से देखो बच्चों मैं अभी यहाँ पे बैठा हूँ। आज से मेरा आप लोगों को आज से मेरा जो अभिवादन होगा आप लोगों को और मेरा मतलब ऐसे मेरा शूटिंग शुरू करूँगा, वीडियो शुरू बनाना शुरू करूँगा। आज से मेरा अभिवादन आप लोगों को होगा। जय परशुराम। आप भी कहे जय परशुराम। कोई लोग जय श्रीराम बोलते, जय गजानन बोलते, कुछ लोग अपने अपने साधु संतों के उनको वो मानते माना तो सब साधु संतों को चाहिए। साधु संत एक ही होते, बॉडीली डिफरेंट रहते हैं। साधु संतों का काम आप लोगों को क्या होता है कंटेंटेडनेस जो भी है जितना भी है उसमें में समाधान ही रहना। समाधान ये शब्द है वो मराठी शब्द है लेकिन हैप्पीनेस सेटिस्फैक्शन कंटेंटेडनेस दैट इज इम्पोर्टेंट। अभी परमार्थ वगैरह विषय आप नहीं बोलता मैं लेकिन जो भी देवता को मानते जय हनुमान जी जय गजानन जय श्री राम जैसे मैं वैसे मैं जय परशुराम बोलता हूँ क्योंकि मैं परशुराम जी का भक्त हूँ। जय परशुराम। अभी मैं आगे देखिए क्या ऐसा तो ये दिखाई दे आपको। अभी ये देखिए ये जो शिप है मतलब मोटर लॉन्च है ये ऐसा है। ऊपर एक मेरे भाईजान खड़े ये देखिए 1 आवर जर्नी है तो पूरा का पूरा 1 आवर का तो वीडियो नहीं बनाना तो चाहता हूँ और जो भी वीडियो बनाता हूँ एडिट करने को दिल नहीं चाहता क्योंकि मैं ऐसी ही जगह में जाता हूँ जो निसर्ग संपन्न है। चलो नारियल को पेड़ देखो। अभी तो मैं थोड़ी देर के रुक जाता हूँ क्योंकि टोपी हवा से टोपी टोपी न उड़ जाए। हाँ अभी तो मैं रुक जाता हूँ हाँ थोड़ी देर के लिए, बाद में फिर शुरू करता हूँ। जो भी रास्ता काट के हम लोग आ गए तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है जो है ना।
तुम्हारा नाम बोलो, छोटी पुट्टी और अन्ना, ये कर्नाटक के है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम श्रीहर्ष है। श्री? श्रीहर्ष। श्रीहर्ष। और पुट्टी का नाम? छोटी का नाम? अक्षया। अक्षया। मेरे मेरा एक मिनट है, ये देखिए, ये वीडियो में आपको ऐसे एक आइलैंड दिखाई दे रहा है ना, ये मैं इसलिए मैं बाहर बहुत बहुत हिल रही है पर ये जो लॉन्च है मोटर लॉन्च, इधर डॉल्फिन दिखाई, हाँ वो दिख डॉल्फिन दिखाई दे रहा है। ज़्यादा ऊँचे ऐसा कूद नहीं जाते पानी से। ये देखिए इतना काला है, पहले वो जो हाँ ये देखिए डॉल्फिन दिखाई दे रहे हैं दूर से। हाँ डॉल्फिन डॉल्फिन अभी ये नीला इतना गहरा नीला है कि काला दिखा है। काले पानी की सजा क्यों बोलते थे अंडमान निकोबार में लोगों को जाके जेल में रख। ये देखिए डॉल्फिन नज़दीक आ गया। नज़दीक आने के बाद ही मैंने शुरू कर दिया वो समुंदर का पानी। मैं बोला पानी के गहराई पर वो कलर डिपेंड करता है। ये जो कलर आपको दिखाई दे रहा है लॉन्च के नज़दीक, ये डार्क मयूरपंख है। वो जो फेंट मयूरपंख है बाद में तो वाइट पानी रहता है। ये बंगारम आइलैंड है, इतना खूबसूरत है, दूर है इसलिए आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। चलो तो कोई बात नहीं, ऐसे अभी वहाँ तक जाता है, देखना पड़ेगा। अभी मैं थोड़ी देर के लिए स्टॉप करता हूँ। ये देखिए यहाँ तक, ये देखिए यहाँ तक पानी मयूरपंख की तरह दिखाई दे रहा है। ये देखिए बहुत अच्छा लगता है ना, निसर्ग है ये सब। अरे हमारा देश बहुत सुंदर है। हमारा देश पहले देखने का, बाद में बाहर जाने का सोचने का। ऐसा मैं नहीं कहता कि आप बाहर मत जाओ, बाहर देश में ज़रूर जाइए, लेकिन अपना देश में वो सब कुछ है। ओके दिखाई दे रहे हैं। अरे नेचुरल कलर है, नैसर्गिक निसर्ग, ये सब निसर्ग है। ये कौन चित्रकार है? मेरे फेवरेट फिल्म एक्टर जितेंद्र साहब का एक फिल्म है गुण जो बन गए मोती, ऐसा कुछ नाम है उसका। उसमें वो टीचर का रोल किया उन्होंने, वो टीचर गाना गाता है। ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, आप वही डिसाइड कीजिए कौन चित्रकार है। तो देखिए ये मोरपंख की डार्क मोरपंख कलर कलर वो देखिए इतना अच्छा लग रहा है ना, ये चित्र का कलर है, ये किसने बनाया है, ये कौन चित्रकार है, आप वही डिसाइड कीजिए। मैं तो कुछ नहीं बोलूँगा, आप अपने जानकारी अपना रखते आप लोग भी मुझे। ये बोलते ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कलर वाटर कलर 200 डिग्री में घूम गया मैं। ये बंगारम, ये बंगारम वो अभी भाई, ये भाईजान ने मुझे बताया कि ये जो दिखा रहे ये बंगारम है, ये अभी उधर दिखाई दे रहा है किनाकारा आइलैंड है। परली वन परली टू ऐसे ये आइलैंड्स है, नज़दीक नज़दीक है। ये बंगारम जो है ना, अभी हम लोग इधर जाने वाले हैं, थोड़ी देर में हम लोग पहुँचाएँगे। पहुँचाने के बाद मैं फिर शुरू करता हूँ। बंगारम आइलैंड के बैकग्राउंड पर, ठीक है। तो
मैं थोड़ा देर के लिए तो रुक जाता हूँ, ओके। बैटरी डाउन हो रही है, 30% तक आ गई है। जैसे पूछूंगा पहले रिचार्ज करूँगा, चार्ज करूँगा बैटरी, 30% तक आ गई। इतना शूटिंग किया आज मैंने, दिखाई दे रहा है। ये देखिए कैसा कलर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, वो ब्लैक जो दिखा रहा है वो पत्थर मतलब वो ब्लैक दिखाई दे रहा है आप लोगों को, वो पत्थर नहीं वो कोरल्स है, ऐसा अभी मुझे बताया। ये देखिए कलर बदल गया, ये देखिए ये कोरल्स है, वो पत्थर जैसे जिंदा प्राणी रहते। ये देखिए ये जो है ना ये ऊपरी वाला है, इसलिए वो कलर ऐसा दिखाई दे रहा है। और कलर कितना खूबसूरत है, मयूर पंख जैसा दिखाई दे रहा है ना, वो देखिए डार्क ब्लू दिखाई दे रहे हैं। ये शैलो वाटर है, ज़्यादा डीप नहीं, इसलिए ऐसा कलर रहता है। वो देखिए डीप वाटर ब्लू कलर, डार्क कॉप इधर एंड ब्लू, डार्क ब्लू। हियर हियर यू कैन सी, ये देखिए वो समुंदर की बालू है, बालू बोले तो सैंड। ये देखिए घने नारियल के पेड़ है, इतना अच्छा लगता है। अरे हमारा देश है, हमारा देश किसी देश से कम नहीं है, वी आर नंबर वन इंडियंस, इंडियन। हमारा देश, मेरे पिताजी ऐसा कहते थे, बेटा पहले अपना देश देखो ठीक तरह से और बाहर जाओ। हमारा देश पहले देखने का, बाद में जाके बाहर की दुनिया देखने का। ये देखिए इतना अच्छा लगता है। ये कलर जो है, ये देखिए मयूर पंख का कलर, नैसर्गिक कलर, सालो वाटर कलर। ये देखिए इतना अच्छा लगता है। वहाँ तो आइलैंड है, ये हम लोग पश्चिम दिशा की ओर आ गए। यहाँ पे जेट्टी है ऐसा लगता है मुझे, ये जेट्टी है वो जेट्टी है, दैट इज जेट्टी। इधर से मैं आपको फिर एक बार दिखाता हूँ, बिल्डिंग दिखाई दे रही। ये देखिए घने नारियल के पेड़ है। नज़दीक आ गए हम बंगारम आइलैंड के, उतर जाएंगे थोड़ी देर के बाद बंगारम की भूमि पर, आइलैंड की भूमि पर उतर जाएंगे। अभी आवाज़ भी बंद हो गया मोटर लॉन्च का, आस्ते आस्ते जाके वहाँ पे रुक जाएंगे। देखिए बच्चों अभी ये बहुत वीडियो बनाया अभी मैंने, वो पार्ट में अपलोड हो जाएंगे, आप देखते रहने का। हर 3 दिन में मैं एक वीडियो, या 2 दिन में या 3 दिन में एक अपलोड करता रहूँगा। हाँ अभी ये देखिए इधर आ गए हम लोग, इधर से उतर के हम लोग अंदर चले गए आइलैंड पे। वो देखिए पानी, वो देखिए पानी कैसा दिख रहा है, देखिए आइलैंड ऐसा, आइलैंड तो ऐसा है। आ गए आइलैंड पे, नजदीक आ गए, अभी लैंड हो जाएंगे, ओके। वो देखिए कर्मचारी आ रहे हैं हमें रिसीव करने के लिए आ रहे हैं। ये देखिए बंगारम रिजॉर्ट ऐसा कुछ बोर्ड, इधर मैं रुक जाता हूँ।